Assalamualaikum friends, welcome back to my channel Mom and Momina. आज मैं आप सबके साथ बच्चों की फेवरेट रेसिपी जो सब बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बनाने वाले हैं पैनकेक्स। तो चले पैनकेक बच्चों की फेवरेट डिश में से एक डिश है। हमारे घर में जितने बच्चे हैं सबको ये पैनकेक्स की रेसिपी बहुत पसंद आती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसे शेयर करा जाए। ये सब बच्चे बहुत इजीली रेडी कर सकते हैं, लेकिन अपनी मम्मा से परमिशन लेकर। अब हम सॉफ्ट डिलीशियस यमी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है 90% बच्चों को एग तोड़ना नहीं आता, इसलिए मैंने भी अपनी मम्मा से तोड़वाया, तो आप भी इसी चीज को ट्राई करिएगा। पहले हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैंने इसमें 3 टीस्पून शुगर ऐड करी है। हम लोग कम शुगर खाते हैं, अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप 5 टीस्पून भी कर सकते हैं। हम इसमें 3 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाए और चीनी भी डिसॉल्व हो जाए। मिक्स 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 यमी यमी यमी, जल्दी से मिक्स करेंगे सब अच्छे को। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं और अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इस तरह से रखेंगे। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, 1 कप मैदा। मैंने इसमें 1 कप मैदा ऐड कर दिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अब हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लेंगे। मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से छान लिए हैं ताकि हमारा बैटर बहुत अच्छा से रेडी हो। सबसे पहले मैं इसको मिक्स करूंगी। मैंने 1/2 कप मिल्क लिया है। हम 1/2 कप में से भी 1/2 कप सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी और फिर बैटर के हिसाब से अगर मेरा बैटर ज्यादा थिक हुआ तो मैं और ऐड करूंगी, वरना नहीं करूंगी। देखिए मैंने इतना सारा मिक्स कर लिया है, तब भी मेरा बैटर बहुत थिक है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा और मिल्क ऐड करूंगी। आप भी उतना ही मिल्क ऐड करिएगा। अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारे फ्लफी से पैनकेक्स रेडी हो। ये मेरा बैटर इतना थिक है, हमें पैनकेक के लिए इतना ही थिक बैटर चाहिए, आपका भी इतना ही थिक होना चाहिए। मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गई कि मैंने इसमें 1/2 कप से थोड़ा सा ज्यादा मिल्क ऐड किया है, क्योंकि मेरा मिल्क थोड़ा सा कम पड़ रहा था। मैंने पैन को प्रीहीट कर लिया है और ये रेसिपी बच्चे ही बना सकते हैं, लेकिन अपनी मॉम से परमिशन लेके और चूल्हे को देख कर इस्तेमाल करके। मैंने ये बटर ले लिया है, अब मैं इसको ग्रीस करूंगी और मैं बहुत एहतियात से डाली हूँ, आप भी एहतियात से डालिएगा। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। मेरा 1 साइड कुक हो चुका है, अब मैं अपनी मम्मा से साइड चेंज करवा रही हूँ। इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे। ये साइड भी कुक हो गई है और अब ये हमारा पैनकेक रेडी है। ये हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे। अब मैं इस पे चॉकलेट स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, यानी हनी डाल सकते हैं आप इसके ऊपर, आप इसके ऊपर बटर लगा सकते हैं। हमारे घर में सब चॉकलेट ही डाल के खाते हैं, इस वजह से मैं चॉकलेट ही लगा रही हूँ। अब मैं दूसरा पैनकेक इसके ऊपर रख दूंगी। जितनी क्वांटिटी हमने ली थी उससे हमारे 4 पैनकेक्स रेडी हुए थे और ये हमारे 4 पैनकेक्स रेडी हैं। अगर आपको ये पैनकेक पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।